8 से 9 लाख रुपए का आपका बजट है और उतने प्राइस में आप कोई ऐसी गाड़ी देख रहे हैं ना जिसमें आपको माइलेज बढ़िया मिल जाए, लुक्स बढ़िया रहने चाहिए, रिफाइंड इंजन हो, तो मैं ना विशाल कुमार इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हुंडई i20 के बारे में। भाई गाड़ी आपको देखने में पूरी टॉप मॉडल की तरह लग रही होगी और इस गाड़ी का जो प्राइस है ना वो सिर्फ 8,40,000 रुपीज का है और इतने प्राइस में आपको इतने बढ़िया डायमेंशन की गाड़ी, इतने बढ़िया फीचर्स की गाड़ी, इसलिए इस गाड़ी का जो ये वाला वेरिएंट है सबसे ज्यादा सेल होता है। यह i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट जो कि मिड वेरिएंट आप मान सकते हैं इसको। इस गाड़ी का मैंने आपको लोअर वेरिएंट दिखाई दिया था जो कि मैग्ना वेरिएंट था, उस वाले वेरिएंट से 65,000 रुपीज ही एक्सपेंसिव वाला वेरिएंट। फिर इतने प्राइस में भाई गाड़ी के लुक्स देखो कितने बढ़िया हो जाते हैं, जहाँ पर मैग्ना वेरिएंट बेस मॉडल वाली आपको फील देता है और 65,000 अगर आप इस वाले वेरिएंट पर लगाएंगे तो आपको पूरी टॉप मॉडल वाली फील आने वाली है। भाई इसीलिए सभी को ये वाला वेरिएंट सबसे ज्यादा पसंद आता है और सबसे ज्यादा सेल भी होता है। तो एक करके हम सभी फीचर्स को देख लेंगे, किस तरह के फीचर्स आपको इस गाड़ी की इंटीरियर और एक्सटीरियर में ऑफर करे जाएंगे। वैसे आपको इस प्राइस रेंज में काफी सारी गाड़ी मिल जाती है, अगर आप चाहते हैं कि इसके लुक्स बढ़िया हो, इंजन बढ़िया रहना चाहिए और स्पोर्टी लुक रहे तो भाई आपके पास काफी कम ऑप्शंस है और उसी में से एक है हुंडई i20। i20 के सभी कलर्स में से भाई मुझे वाला कलर सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, ये स्टारी नाइट कलर। आप देख सकते हैं आपको पूरे ब्लैक कलर की तरह लग रहा हुआ दिखने में। और बात करता हूँ गाड़ी के वारंटी के बारे में, तो आपको इस गाड़ी पे 3 इयर्स की वारंटी मिल जाती है 1,00,000 किलोमीटर की, दोनों में से जो भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। 8,40,000 इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है, आप ऑन रोड मान के चलिए आपको 9,00,000 रुपीज की मिल जाएगी क्योंकि गाड़ी पे काफी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो आप शोरूम पर विजिट करेंगे तो आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिलने के चांस ज्यादा है। फिर इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल, यहाँ पर आपको भाई हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, इंडिकेटर में यहाँ पर बल्ब, इरीज गाड़ी ग्रिल, पैन ब्लैक्स में इसमें रहेगी ग्रिल, यहाँ पर आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा। इस साइड होगी सिल्वर कलर में इसकी प्लेट, LED DRLs ऑफर हो जाती हैं इस वाले वेरिएंट में। फिर ओवरऑल उससे लेगी गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया लगती है और शार्प लुक्स इस गाड़ी में रहेंगे, शार्प कट्स हैं। ये रही गाड़ी की साइड प्रोफाइल, इस वाले वेरिएंट से आपको भाई स्टाइलिश स्टील व्हील्स जैसे फीचर्स ऑफर हो जाते हैं जो कि देखने में तो पूरे एलॉय व्हील्स की तरह लगेंगे, पर लेकिन रहने वाले व्हील कवर्स ही हैं। डिज़ाइन देखो आप, डायमंड कट शेप में रहेगा जैसा आप देख सकते हैं, 16 इंच रहते हैं, 195/55R16 की प्रोफाइल रहेगी। ये रहा वो RPM इस गाड़ी का। इंडिकेटर आपको LED सी पे मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है। ये फिर हो गया बॉडी कलर का। विंडो क्रोम गार्निश रहेगी यहाँ पर जो कि एंड तक जाती है जैसे आप देख सकते हैं। डोर हैंडल्स हो गए बॉडी कलर के। ये रहा इंटीरियर इस गाड़ी का जो कि डुअल टोन कलर में रहेगा। फीचर से लोडेड रहता है, मतलब ये वाला वेरिएंट वही लेता है जिसको गाड़ी में बढ़िया फीचर चाहिए, आफ्टर मार्केट वर्क नहीं कराना, वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए गाड़ी। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल वार्डन से कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ड्राइवर एडजस्टमेंट का फीचर है जैसे आप देखते, कुछ तरह के फीचर आपको गाड़ी में ऑफर होते हैं। पीपल हो गया मैट ब्लैक का। डोर हैंडल्स कुछ उस तरह के शेप के हैं, क्वार्टर ग्लास हो गया यहाँ पर। यहाँ पर होगी पियानो ब्लैक फिनिश। फिर ये भी कंबाइन लुक बैक और साइड प्रोफाइल की, जितनी बढ़िया गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल लगती है ना उतनी बढ़िया आपको बैक प्रोफाइल लगने वाली है जब बैक से भाई LED टेल लाइट ऑन हो जाती है इस गाड़ी की। लुक से वो भाई पूरी स्पोर्टी फील आती है इस गाड़ी में देखने पर। ये ओवरऑल बैक प्रोफाइल, बस शायद आपको मिल जाएगा शार्क फिन एंटीना, रियर स्पॉइलर रहेगा, यहाँ पर हो गया हेलमेट स्टॉक रैंप, रियर डिफोगर है, एरी वैली टेल लाइट, इंडिकेटर में आपको यहाँ बल्ब मिल जाएगा, बैक लाइट में भी हुंडई का लोगो हो गया, पियानो ब्लैक फिनिश पर। यहाँ पर आपको क्रोम लाइन मिल जाती है एक टेल लाइट से लेकर दूसरी टेल लाइट तक। i20 की बैजिंग है, स्पोर्ट्स वेरिएंट की बैजिंग मिल जाएगी जो उनसे वेरिएंट है। रिफ्लेक्टर्स हो गए, इस साइड होगी सिल्वर कलर में इसकी प्लेट, और पार्किंग सेंसर्स रहते हैं। फिर ओवरऑल भाई कुछ तरह की लगेगी गाड़ी की बैक प्रोफाइल। अब चलिए मैं आपको उस गाड़ी का बूट दिखा दूँ कितना स्पेस आपको उस गाड़ी के बूट में ऑफर कराया जाता है। यहाँ पर होगी पार्शियल ट्रे, हैंग करने के लिए आपको यहाँ पर हुक मिल जाएंगे, स्पेयर व्हील, एक प्रोफाइल छोटी रहेगी। वैसे वो किसी भी तरह की फीचर में कमी नहीं लगने वाली है। अब इस कार को अगर आप एक्सटीरियर से देखेंगे तो LED RS मिल जाती है आपको, टॉप मॉडल वाली तो आपको इसमें LED RS नहीं मिलेगी। अगर आपको प्रॉपर अलॉय व्हील चाहिए अपनी कार में तो आपको इस कार के एस्टा वेरिएंट से मिलने स्टार्ट होते हैं, और LED RS हो गया, सनरूफ जैसे फीचर्स भी आपको इस कार का जो टॉप मॉडल आएगा उसमें आपको मिल जाएंगे जो कि एस्टा वेरिएंट है। इस कार के दो अपर वेरिएंट्स आते हैं, एक तो हो गया एस्टा और एक हो गया एस्टा ऑप्शनल। अगर आप इस कार का एस्टा वेरिएंट लेंगे तो उसके लिए आपको 1,00,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको LED हेडलैम्प्स भी मिल जाएंगे, कीलेस एंट्री रहेगी, रियर वॉशर वाइपर, मशीन अलॉय व्हील्स,
प्राइस के हिसाब से इस वाले वेरिएंट को देखते हो तो आपको किसी भी तरह की फीचर में कमी नहीं लगने वाली है। इस कार में आपको 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन मिल जाएगा 1200 सीसी का, जो कि प्रोड्यूस करेगा 81 bhp की पावर, 114 Nm का टोर, 4 सिलेंडर में रहती है कार। तो जैसे मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा दूं, उस तरह के फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में ऑफर किए जाएंगे। डुअल टोन कलर में इस कार का इंटीरियर रहेगा और देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है, आपको बिल्कुल टॉप मॉडल वाली वही फील आ रही होगी। और वही पैटर्न आपको इस कार के डोर पे दिखाई देता है डुअल टोन कलर में। डोबना हो गया पियानो ब्लैक फिनिश का, चार पावर विंडो कंट्रोल्स रहेंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्ड वाले ORBMs, ऑटो डाउन पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर आपको लेदर फिनिश मिल जाएगी, बड़ी स्पेस है, डिफरेंस स्पेस और स्पीकर्स, और फिर बाहर से देखने में कुछ तरह का लगेगा इंटीरियर इस कार का। और ये ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट अटैचमेंट का फीचर हो गया और रिक्लाइन करने का। और यहाँ पर आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। फिजिकली आपको की लगानी पड़ती है, कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं इस गाड़ी में। ये रहा बैक डोर इस कार का, टॉप नो या पेन ब्लैक फिनिश का, पावर विंडो कंट्रोल है, बॉर्डर स्पेस है, डिफरेंस स्पेस और स्पीकर। और आपको इस गाड़ी में रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। वो कितना आपको इस कार में लेग रूम मिल जाता है, लेग रूम और हेड रूम में आपको बिल्कुल भी कमी नहीं लगने वाली है। और एसी पर बैठे उस तरह का लगेगा डैशबोर्ड, रियर एसी वेंट्स हो गए, यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट हो गया, क्विनेस सेच हो गया, यहाँ पर हम फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बैक में आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप इस कार का बिल्कुल टॉप मॉडल भी लेते हैं उसमें भी आपको फिक्स हेडरेस्ट ही मिलेंगे, बैक में कैबिल लैंप फ्रंट में भी, और आपको यहाँ पर भी कैबिल लैंप मिल जाएगा, हेलोजन में रहेगा ये, ग्रैब हैंडल हो गया, क्विनेस सेच हो गया, यहाँ पर क्वार्टर ग्लास, जो ड्राइवर साइड सीट है वो मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, जो लेग रूम है वो आपको बढ़िया मिल जाएगा, मेरी हाइट 6 feet है। तो चलिए मैं आपको इस कार की फ्रंट सीट पर चल कर दिखाता हूँ फिर किस तरह के फीचर्स आपको वहाँ पर दिए जाते हैं। तो भाई इस कार का जो इंटीरियर है आपको डुअल टोन पैटर्न में मिल जाएगा, इस सर आपको बता ही दिया, फीचर्स वाइज भी गजब रहता है इस कार का, जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है आपको पूरी टॉप मॉडल वाली फील आने वाली है। बस कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको एस्टा वेरिएंट में दिए जाएंगे, आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। अगर आपको कार पूरी फीचर्स लोडेड चाहिए, ऐसा आपको सनरूफ जैसे फीचर्स चाहिए, तो आपको इस कार के एस्टा वेरिएंट में दिए जाते हैं। ये रहा इस कार का स्टीयरिंग व्हील, लेदर है स्टीयरिंग व्हील तो आपको नहीं मिलेगा जिस तरह आपको एस्टा वेरिएंट में मिलता है। स्टीयरिंग बॉडी कंट्रोल्स हो गए, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जिस तरह के फीचर्स आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं। और फुली डिजिटल आपको इस कार में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। 8 inch आपको इस कार में इनफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो पर काफी लेके साथ रहे, उस तरह कंट्रोल्स रहते हैं। यहाँ पर नीचे साइड पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, कुछ सारे कंट्रोल्स रहते हैं इनफोटेनमेंट सिस्टम के। यहाँ पर तो आपको बेसिक सा ब्लैक कलर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मैट ब्लैक मिल जाता है। अगर आप इस कार का एस्टा वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है, हजार लाइट का बटन हो गया, एसी वेंट्स हो गए साइड में, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस कार में एसी मिल जाएगी, कुछ सारे कंट्रोल्स रहेंगे आप देख सकते हैं, डिफोगर का हो गया यहाँ पर, टाइप सी पोर्ट हो गया, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, USB पोर्ट, कुछ स्पेस हो गया यहाँ पर, 5 gear मैनुअल ट्रांसमिशन में रहेगा, उस तरह का नोब मिल जाता है। ये ड्राइवर साइड सनवाइजर टिकट होल्डर के साथ, ये रहा सनग्लास होल्डर, कैबिन लैंप हो गया यहाँ पर, सनवाइजर वैनिटी मिरर के साथ, ग्रैब हैंडल, कुछ तरह की रहेंगी इसका की फ्रंट सीट्स जिनमें आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फैब्रिक सीट्स रहेंगी इन पर, उस तरह का डिजाइन बना हुआ है। ये क्वार्टर साइड डोर इस कार का, टॉप नो गियर पियानो ब्लैक फिनिश का, पावर विंडो कंट्रोल है, बॉडी स्पेस, डिफरेंट स्पेस, और ये इस कार ग्लव बॉक्स ने साइज का मिल जाएगा, काफी बढ़िया साइज आपको इस कार ग्लव बॉक्स का दिया गया है। यहाँ पर आपको लाइन्स मिल जाती हैं डैशबोर्ड पे, एसी वेंट्स हो गए यहाँ पर। तो ओवरऑल उस तरह इसका इंटीरियर जो फीचर्स आपको इसका इंटीरियर मिल जाते हैं ना, कुछ सभी दिखा दिए हैं। जैसे आपने देखा कार पूरी फीचर्स से बढ़िया रहने वाली है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो ये वाला रहने वाला है, इसलिए जो सबसे ज्यादा सेल होता है वेरिएंट वो यही वाला रहने वाला है। इंटीरियर में आपको सभी बढ़िया फीचर्स मिल जाएंगे, बस कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसकी आपको कमी महसूस होने वाली है अगर आप एस्टा वेरिएंट देख के इस वाले वेरिएंट पा रहे हैं तो, जैसे आपको उसमें ना ही कोई सनरूफ मिलती है। अगर आपको और लार्ज साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए तो फिर आपको इस कार का जो एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट आता है उसमें आपको मिलेगा। तो चाहे फिर आपको इस कार किसी और वेरिएंट की वीडियो देखनी है, किसी और कार का बैकग्राउंड देखना, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।